गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आज आया हुआ था रेनॉल्ट के शोरूम, जो कि यहाँ पे है सीआरपी के पास, और शोरूम का नाम है गार्क्शन। और मैं आज एक नए कार के साथ आपको दिखाने लाया हूँ कि यार ये वाला जो कार है और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। और इस कार का नाम है काइगर, रेनॉल्ट काइगर, जो कि मतलब ये टर्बो इंजन के साथ आता है। तो अभी पहले स्टार्ट करते हैं इसके वॉक अराउंड से, मैं दिखा लेता हूँ कि कैसे दिखता है ओवरऑल। कुछ ऐसा ये कुछ इस तरह का पीछे से दिखता है, ये रहा पीछे का लुक इसका, कुछ स्पोर्टी लुक दिखा रहा है मतलब ओवरऑल। और ये रहा इस तरह साइड से। बसंत सर, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस। देखिए आप फर्स्ट आते हैं, देखिए ये आपका रहता है ट्राई ऑक्टा प्योर विजन एलईडी रहता है। ये अच्छा क्या होता है, आपको दिन में जो रहता है, रात में जो रहता है, लाइट एलईडी रहता है, व्हाइट रहता है, नॉट हैलोजन, हाँ ये व्हाइट लाइट रहता है जो कि विजिबली क्लियर रहता है। ठीक सर, यहाँ पर रहता है डीआर, डिटम रनिंग लाइट रहता है जी। यहाँ पे रेनॉल्ट का बैजिंग हो गया। ये रहता है व्हीलेस ग्लाइडिंग, हाँ इसमें क्या होता है आपका गाड़ी का साइड का जो मस्कुलर हाँ डिजाइन डिजाइन रहता है ये आपको देता है सर। हाँ जी, तो उसमें क्या है बेनिफिट ये भी, जैसे जैसे ही गाड़ी कहाँ पे जाने टाइम स्क्रैच हो जाए हाँ, तो ये क्या होता है बॉडी से फेंडर से बाहर निकलता है। हाँ ये इसीलिए मतलब थोड़ा बाहर रहता है बाहर, ताकि रहता है। अगर गाड़ी कहीं पे आपका स्क्रैच हो जाए तो पहले ये स्क्रैच हो, फिर उसके बाद ये प्रोटेक्टेड। हाँ जी, 195/60 R16 का टायर है रहता है, इसमें एलॉय रहता है, इसको बोलते हैं डायमंड कट एलॉय। अच्छा, ये डायमंड कट एलॉय व्हील से 184 mm और तो ग्राउंड क्लियरेंस और क्या है? भी चाहिए मतलब लोगों को क्या रहा है? ये रहा मतलब आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, ये डिजाइन जो है डीकल डिजाइन है, तो ये कुछ इस तरह का फिनिशिंग के साथ साइड में दिखा रहा है इसमें। हाँ जी, देखिए ये आपका रेन बैजर है। हाँ रेन बैजर क्या होता है, उसमें बारिश पड़ने से आपको ये सेव करेगा, जैसे कि पानी अंदर तक जाएगा नहीं वो ये बाहर तक आ जाएगा। हाँ मतलब अगर किसी को थोड़ा विंडो नीचे मतलब नीचे करना है तो ये पानी जो बारिश का पानी है वो डायरेक्टली यहाँ से नीचे आ जाएगा और अंदर नहीं घुसेगा। बस इसके ऊपर आप 50 kg रूफ कैरियर लगा सकते हैं। 50 kg बस। अच्छा 50 kg कैन। अच्छा समझ। ईगल टेल यार। अच्छा ईगल टेल ईगल का जैसे भी मुगा थन जैसे रहते हैं जैसे डिजाइन के रहता है। इसके बाद और एक आ रहा है ये 3D स्पॉइलर है। और ये जो स्पॉइलर जिससे ये कुछ थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है ऊपर से देखने में, बिकॉज ये जो स्पॉइलर इसी को मतलब कोई डिजाइन में कहाँ भी देखे नहीं रही है। हाँ ये थोड़ा अलग डिजाइन का है। हाँ तो इस सर्वे क्या आपको फुल एफिशिएंसी देता है, अच्छा। बैलेंसिंग रहता है स्पॉइलर जो रहता है। हाँ ये आपको ये ना मतलब वो पहले एंटीना देते थे और ये वाला जो है थोड़ा अट्रैक्टिव सा भी ज्यादा SUV गाड़ी में ऐसे ही रहता है। हाँ तो इसके बाद कैमरा यहाँ पे रहता है, वही कैमरा पार्किंग सेंसर जो है उसका कैमरा यहाँ पे। हाँ पार्किंग सेंसर भी कैमरा है। अच्छा ज्यादातर कैमरा रहता है यहाँ पे रहते हैं। हाँ बहुत सारी गाड़ी में रहते हैं। हाँ तो यहाँ मतलब सेफ्टी के मामले में एकदम थोड़ा कॉशियस हो चुका है सॉरी। तो अगर यहाँ पे कैमरा होता है बम्पर पे, अगर डायरेक्टली कोई मतलब आकर टक्कर मारता है तो कैमरा डैमेज नहीं होता, कैमरा थोड़ा ऊपर में रहता है तो ये थोड़ा सेफ रहता है। ये वाला पार्किंग सेंसर है यहाँ पे, थोड़ा डिज़ाइन के मामले में ये थोड़ा ऐसा है और ये जो लेंथ है ये थोड़ा ऊपर दिया गया है कि अगर आप फुटपाथ पे या बैक करके अगर रिवर्स करते हो कार को तो ये डायरेक्ट इस पर लगेगा नहीं, तो ये थोड़ा इसका लेंथ जो है थोड़ा ज़्यादा दिया रखा है। ठीक, और इसमें आपको आ जा रहा है वाशर, अच्छा जो कि वाटर स्प्रे करेगा। ये वॉशर है इसके अंदर, वॉशर है, ये डीफॉग है, जब जब कहाँ पे डीफॉग ये हो जाए फॉग होता है ये क्लीन कराता है। ये आपका वाइपर है। हाँ 405 लीटर का बूट स्पेस दिया गया। और यहाँ पे एक मिनट आपको थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा कर दिखाते हैं, ये रहा इधर से लेकर ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे आते रहेगा। इसमें हाँ। नीचे स्टेपिंग रहता है आपका सर, सेम साइज नहीं ये थोड़ा डिफरेंट कम है सर, एक इंच कम है, कॉलेज स्टेप इन। हाँ ये आपको कहाँ पे गाड़ी खराब हुआ था वहाँ से 50-80 किलोमीटर तक आपको साथ दे देगा। ओके, जहाँ पे आप जो गाड़ी टायर पंचर हुआ रहेगा हाँ। उसको आप फिर से करके रेडी करके डाल देंगे, समझ गए। आप निकाल लेते हैं उसको, बोलते हैं पार्सल ट्रे, पार्सल ट्रे।
इसको निकाल सकते हैं आप। निकाल के ये जो सीट है 60-40 फॉलेबल होता है, राइट? ओके, तो उसमें क्या होता है, इसको निकाल के इसे डाल देना। अरे ये तो मतलब थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, पूरा आपको एरिया स्पेस हो गया। हाँ, 1150 बूट स्पेस हो गया, जिसमें आप कुछ भी सामान कैरी कर सकते हैं। ये तो मतलब एक मतलब ये क्या बोलते हैं, सो कॉम्बिनेशन वाला चीज़ हो गया सारा एक साथ। छोटा सा मेरे हिसाब हाँ। मेरे वार्ड से बोलेंगे उसको छोटा मिनी हाउस। ये थोड़ा बढ़िया हो गया, मतलब इसमें मुझे ये वाला अच्छा लगा पर्सनल। प्राइस रेंज कितना है इसका? प्राइस इसका आपको आ जाए ऑन रोड प्राइस 10,85,000 10,85,000 ऑन रोड, और ये टू इंश्योरेंस एवरीथिंग सब। यस, और ये टर्बो इंजन के साथ, टर्बो इंजन के साथ इसे। तो ये मतलब एक प्राइस रेंज के हिसाब से ये मतलब वर्थ टू बाय है, मतलब सही चीज़ है। मतलब एक इंजन, मतलब इसका पावर कितना है? पावर 1000 cc। हाँ जी, इसको बोलते हो 999 cc। हाँ, और PSS 100। अच्छा, 100 PS के साथ 1000 cc इंजन का ये कार। माइलेज बेटर 18-19। पेट्रोल और डीजल? पेट्रोल, ओनली पेट्रोल अवेलेबल। ओके, यहाँ पे मतलब पेट्रोल इंजन के साथ आता है, और माइलेज बता रहे हैं कि 20 के करीब आता है। पीछे का एसी हो गया, पीछे में एसी रहेगा, उसके साथ 12 वोल्ट सॉकेट मोबाइल चार्जिंग पॉइंट में, इसमें लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। डिजेंस इसके बाद आपको ये आ जाएगा, उसको आर्मेस्ट विथ कप होल्डर मोबाइल होल्डर। अच्छा, ये भी आ गया इसके साथ। जैसे कि यहाँ पे आप एक मोबाइल यहाँ पे रख दिए ऐसे, राइट, कॉफ रख दी, वहाँ पे कॉफी ऑफी पीना जो भी है रख सकते हैं। इसको आपको नई जरूरत है नहीं तो इसको आराम से बंद कर सकते हैं। और ये रेस्ट के साथ आ गया, ये आपने ये हेडरेस्ट के साथ आ जाता है दोनों। और एक बढ़िया चीज़ है, देखिए ये आप जो बैठे हैं ये नी डिस्टेंस देखिए 216 नी डिस्टेंस, जैसे कि आप लॉन्ग टूर में कहाँ पे भी जाएंगे तो आपको टायर्डनेस वो कुछ भी नहीं होगा आपको। और मेरे इसके नीचे भी अच्छी खासी जगह है, और एक चीज़ कम्फर्टेबल थोड़ा सा। देखिए बहुत ऐसी कुछ गाड़ी हैं जैसे कि ये जो बीच में ये उठ के रहता है, तो बीच में जो पर्सन यहाँ पे बैठेगा ना, वो पैर को थोड़ा ये करके फैला के बैठेगा, तो क्या होता है लॉन्ग टूर में जाने से उनका जो ये थाई रहता है पेन होता है। तो इसमें क्या होता है, प्लेन है पूरा। और ये देख लीजिए, मिडिल में जो पर्सन बैठेगा वो आराम से बैठ सकते हैं, वो थोड़ा बहुत दिखेगा नहीं। हाँ, ये रहा, ये जो है मतलब थोड़ा उठा हुआ नहीं रहता, ये आराम से आप बैठो, मैं बीच में बैठा के दिखता हूँ। ये रहा, आप आराम से बैठ जाओ ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे ये ज़्यादा उठा हुआ भी नहीं है, तो आप आराम से बैठ सकते हो। और ये रहा ओपनिंग सेंसर्स आ रहे हैं इसमें। तो ये कुछ कितने स्पीकर है मतलब कार के अंदर? 4 स्पीकर 4 ट्विटर। अच्छा, 4 स्पीकर 4 ट्विटर। और इसमें एयरबैग्स कितने दिए गए? 4 एयरबैग्स। ओके, आगे चलते हैं। अब चलते हैं इसके अंदर का देखने के लिए कि क्या क्या फीचर्स सामने की तरफ है। ओके, इसको ब्रेक करेंगे फर्स्ट। हाँ, इसके 1 बार पुश करेंगे, छोड़ देंगे, वो स्टार्ट हो गया। अच्छा, वहाँ पे मेरे को वो अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो है ना, ये आपका फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोलते हैं इसको। आपको आ जाए, ये क्रूज कंट्रोल है। क्रूज कंट्रोल सपोज आपको कहाँ जाना है लॉन्ग टूर में, आपको एक बार एक स्पीड लिमिट कर देंगे, तो एक्सेलरेटर ऊपर ब्रेक छोड़ देंगे, ये आपको वही स्पीड में लेके जाएगा आपको। यूएसबी कनेक्ट देता है आपका, ये रहा यूएसबी कनेक्टर, ये रहा क्रूज कंट्रोल, ये रहा स्टार्ट एंड स्टॉप, ये रहता है वायरलेस मोबाइल चार्जिंग। वायरलेस मतलब इसमें आपको कुछ जो वायर रहता है वो चीज नहीं चाहिए आपको, मोबाइल रख दे यहाँ पे चार्ज ऑटोमेटिक चार्ज होगा, तो ये सबसे बेस्ट चीज है। ये बढ़िया है इसके अंदर, और ये मैनुअल गियर के साथ है। मैनुअल गियर के साथ है। इसके बाद आपको एम्बिएंट लाइट देगा। देखिए रात में हो गया ज्यादा, तो उसमें क्या होता है, हमें कुछ सामान रखना है, कुछ अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या होता है, ये अब करने से ये लाइट यहाँ पे जलेगा, ये डोर साइड में जहाँ पे पकड़ते हैं डोर हैंडल, ये सारे चीजें के मतलब ये फीचर्स लोडेड है इसमें सारे अच्छे से। और एक बढ़िया चीज है इसमें, देखिए इसमें ऑटो क्लाइमेट एसी है। अच्छा, ये ऑटो क्लाइमेट एसी, इसको ऑन करने से यहाँ पे आपको आगे चाहिए, पैर के नीचे चाहिए, फुट में चाहिए, तो चारों तरफ एसी देगा। अच्छा, और एक ये टिल्ट स्टीयरिंग है, जैसे कि आपको नीचे करना है, तो जैसे कि देखिए हमारा मेरा हाइट अभी
आई मीन शॉर्ट हाइट हूँ, तो मुझे नीचे बैठा हूँ मैं, तो स्टेरिंग मेरे हिसाब में ज्यादा हो जा रहा है, तो उसको मेरे लेवल में लाना है मुझे, तो नीचे, तो इसलिए उसको नीचे कर देंगे। सब टॉल आदमी एक बैठा है तो उनको स्टेरिंग नीचे बहुत जा रहा है, उसको हिसाब में चाहिए तो उसको उठा देंगे, उसको आराम से एडजस्ट कर लेंगे, तो ये लॉक हो गया। और एक स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल दे रहा है आपका, यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे फोन उठा से पिकअप सर्विस रिगार्डिंग सर्विसिंग रिगार्डिंग यहाँ पे देखाएगा आपको, ये देख सकते हैं सब। अच्छा, इसमें सारी चीज़ें दी गई, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा देगा। आपको सर्विसिंग आया तो इसके यहाँ पे आप अलर्ट कर किया जाएगा। हाँ। ये फूल के रहता है। हाँ। इसके बाद बढ़िया चीज़ है, देखिए ये 2.5 PM एयर क्लीनर यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब क्या मतलब ये क्या होता है, अंदर का जो रहता है बैड एयर रहता है। हाँ। तो ये किस के आपको क्लीन करता है, वन टाइप ऑफ कॉल वैक्यूम क्लीनर। अच्छा। जिसे बोलते हैं जिसे। ओके, ओके, वो रहता है। हाँ। इसके बाद और एक चीज है, देखिए ये बीच में आई है सर। हाँ। अभी मैं आपको स्टोरेज के बारे में जानकारी दूंगा आपको। हाँ, हाँ। जैसे कि ये इसको बोलते है मिडिल कंसोल स्टोरेज, इसको स्लाइडिंग कर सकते हैं, अंदर सामान रखेंगे कोई, तो अलग ये आर्मेस जो है ना उसको उठा भी सकते हैं, जैसे कि आपका पर्सनल चीज को है, सोना गोल्ड। हाँ, हाँ, कुछ भी चाहिए यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, तो इसको ऐसे भाई कितने कितना अंदर स्पेस है, दिखाओ दिखाइए, ये रहा इसके अंदर इतना, मेरा एक हाथ घुस सकता है इसके अंदर कोई, मतलब ये सीक्रेट प्लेस भी हो गया आराम से। अच्छा, ये डाल देते हैं। और एक चीज, ये जो आपको मैं पुश बटन स्टार्ट दिखाया, इसका ये रहता है स्मार्ट की बोलते हैं इसको। अच्छा, अरे ये की तो एकदम अलग दिखता है, ये इसकी क्या होता है। हाँ। इसमें दिखा देता हूँ आपको, ये की रहता है। हाँ। इसको आप पकड़ में रखेंगे। अच्छा। जैसे आपको एटीएम कार्ड कैरी करते हैं। हाँ। इसको भी कैरी करेंगे उसे। हाँ। आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे रख के आपको स्टार्ट करना है। अच्छा। ये क्या कहता है, गाड़ी के अंदर ही रहेगा। हाँ। सेंसर ही रहता था, इसको पकड़ रखेंगे। हाँ जी, रखेंगे, जब आपको काम खत्म हो गया, गाड़ी आपका टारगेट ये में पहुंच गए, वहां से आपको जाना है। हाँ। तो स्टार्ट बंद कर दीजिए, डोर खोल के बंद करके चले जाइए, वो अपने ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ओके, इसके बाद उसके गाड़ी के सेंसर के अंदर आ जाएंगे, तो 50 मीटर के अंदर आ जाएंगे, तो 50 मीटर के अंदर ये अपने आप ऑनलॉक भी हो जाएगा। अच्छा, मतलब मैं समझ गया कि मतलब आप अगर उसको कैरी करके लेके जाते हो 50 मीटर के दूर चले गए तो वो लॉक, फिर 50 मीटर के अंदर चले गए फिर वो अनलॉक हो जाता, फिर आप अंदर आओ, फिर इसको प्रेस करो स्टार्ट, कुछ इस तरह का। ये कह रहता है इसमें, और मैनुअल रहता है। ऑटोमेटिक तो हो गया लॉक। हाँ, अनलॉक हो गया। हाँ, ये मैनुअली कर सकते हैं आप। अच्छा, हाँ वो तो मतलब वो है। हाँ। और एक सपोज ये सेंसरिंग काम है। हाँ, इसका बैटरी रहता है। हाँ, सपोज ये बैटरी लो हो गया। हाँ, तो क्या करेंगे आप अंदर, तो कैसे दूसरा उसका ऑप्शन है यहाँ पे, ऐसे इसको ये जो होल है, होल है यहाँ पे, उसका अपोजिट में उसको पुश करना है आपको, पुश करने ये लॉक खोल जाएगा। उसके अंदर एक चाबी है, ये चाबी में आप बाहर से खोल के अंदर आ सकते हैं। अरे यार, ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज है, मतलब यहाँ पे रख देंगे। हाँ। ये जो रहता है ना, इसका बैटरी इसके साथ कनेक्ट रहता है। हाँ। ये ऑटो चार्ज होगा। अच्छा, 10 टाइम तक ऑटो चार्ज होगा। ओके, 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 10 टाइम तक, मतलब बहुत रेयर में बैटरी लो होता है। हाँ। अच्छा, आपको दिमाग में क्वेश्चन आता रहे, अभी आ रहेगा, तो ये जो बैटरी लो हो गया था हम कैसे जानेंगे। हाँ। तो ये जो भी यहाँ पे कुछ होगा ना, इसके साथ जो भी छिड़कानी जो भी कुछ होगा, तो यहाँ पे आपको लिखा जाएगा, यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, रिमोट के साथ प्रॉब्लम है तो वो भी डिस्प्ले में साथ आ जाएगा। हाँ, समझ। तो ये क्या होता है, और एक चीज, आप कहाँ पे भी चाबी, सपोज यहाँ पे स्टार्ट हो गया गाड़ी। हाँ। गाड़ी स्टार्ट में आप चले गए चाबी लेके। हाँ। तो स्टार्ट में बंद नहीं होगा, वो ऐसे ही ऑन रहेगा, वैसा रहेगा। अरे बाप, चाबी उसका सेंसर में आएगा तो ये बंद होगा। ओके, ऐसे भी होता है। अच्छा, मतलब ये भी एक थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक चीज भी हो सकता है, अगर भूल के चले गए तो गया भाई, स्टार्ट उसको बंद कर सकते हैं। हाँ। जैसे कि हमारा बोलते हैं देसी उपाय में जो करते हैं, जैसे कि गियर डाल के बिना क्लॉज में, वो हो सकता है, वो मतलब सेफ्टी मैटर में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज होता है, तो उसको नहीं करेंगे, तो इसको क्या ध्यान में उसको रखना है हमको। तो ये चीज आप इसको भी हम रख सकते हैं, इसको अंदर ही रखना बेटर होता है मेरे ख्याल से। अंदर क्या होता है, हम रखते चले जाएंगे, कहाँ लॉक होगा नहीं। अच्छा। बार बार खोलो, लॉक करो, सामान इतना पकड़े, ऑफिस आ रहे हैं। हाँ। तो उसको लॉक करो, कैसे लॉक करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट है। हाँ, ये रहा। और एक चीज, अपर ग्लो बॉक्स है उसको बोलते हैं, अपर ग्लो बॉक्स। ग्लो बॉक्स ये रहा ऊपर वाला। ये जो टिप दिया है। हाँ। थ्री टिप में खोलेंगे इसको कैसे करके, तो ये स्पेस आ गया पूरा, समझ गए। ये तीन मतलब तीन उंगली से ही खोलेगा ये, ऐसे एक उंगली से, मतलब डिजाइन उसका दिया है। हाँ। ऐसे स्टाइल में, तो स्टाइल में ही आदमी खोलेंगे तो बेटर रहेगा ना। राइट राइट,
तो और एक नीचे बोलते हैं लोअर ग्लो बॉक्स विद कोल्ड बॉक्स, कोल्ड बॉक्स, कोल्ड बॉक्स। इसमें एक एसी पॉइंट है यहाँ पे है, यहाँ पे एक एसी पॉइंट है, ये एसी पॉइंट है। जैसे कि आपका एक कुछ भी चॉकलेट हो हाँ। आपका मेडिसिन इंसुलिन हो, जो भी सामान लेके जाएंगे वो अंदर चिल रखेगा उसको, ये लेके चिल कराएगा हाँ। उसको चिल रखेगा बस, मतलब एक टेम्परेचर सेट करके हाँ। अच्छा आपको कंफर्ट लगेगा, ये सीट कंफर्टेबल वाला भी है मतलब, और ये डिजाइन भी कुछ इस तरह का दिया गया है कि जो आपको कोई पीछे से पकड़ के रखा है और आप हिलने नहीं वाले और आप आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हो। और एक चीज है यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट का सेंसर रहता है, जब भी अभी मैं बैठा हूँ अंदर का क्लाइमेट मेरे अंदर कार के अंदर जो केबिन स्पेस है हाँ। उसका टेम्परेचर मेंटेन हो गया हाँ। अभी क्या होता है ऑटो सेंसर मतलब ये कंप्रेसर बंद हो जाएगा। अच्छा उसमें क्या होता है तो आपको फाइल फ्यूल आपको कंजम्पशन सही रहता है, तो जब टेम्परेचर लो हो जाएगा फिर से लेवल टेम्परेचर लाने के लिए ऑटो कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये सेंसर काम करता है, फायदा यही है। समझ गया। और ये रहता है सर आपका जो ये जो डिस्प्ले रहता है हाँ। ये 18 इंच का डिस्प्ले है हाँ। एप्पल कारप्ले ऑटो एंड्रॉइड रहता है, ऑटो एंड्रॉइड, ऑटो एंड्रॉइड। इसमें आप मोबाइल मतलब मैसेज कर सकते हैं, वॉइस कमांड मैसेज, इसके बाद वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत कुछ है, जीपीएस सब कुछ है। उसका जो ब्लूटूथ कनेक्ट है माइक यहाँ पे, अच्छा वो ऊपर है माइक। हम गाड़ी चला रहे हो एक फोन में एक हाथ में, फोन सेफ्टी भी नहीं होता, वो सेफ्टी रहता नहीं तो हाँ। इसलिए सेफ्टी के फीचर्स में ही दे दिया आपको, यहाँ पे बात करेंगे ड्राइविंग करेंगे चलेंगे बस। समझ गया। और ये आपका रहता है जो आई वी एम हाँ। ये रहता है क्या आपका डे नाइट रहता है, डे नाइट जैसे कि रात में जाते हैं पीछे से लाइट आपको आ गया यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है आपका आके में, मतलब ड्राइविंग इजीली मतलब कंफर्टेबल नहीं कर सकते, इसको नीचे कर देंगे तो आपको पीछे दिखाई देगा और पीछे का लाइट रिफ्लेक्ट आपको हाँ, हाँ, समझ गया। मतलब पीछे का जो हेडलाइट वो ऊपर नीचे रहता है वो आपको डायरेक्टली आंखों में नहीं आएगा। और एक बात है यहाँ पे देखिए ये ऑटो मतलब ओआर बीम फोल्डेबल होगा, जैसे कि देखिए बारिश हो रहा है मैं बाहर विंडो तो खोल नहीं सकता तो उसको फोल्ड करना है मुझे हाँ। कोई गली में जाना है तो भाई मिरर फोल्ड करना है हाँ। तो यहाँ पे पुश कर दिया था वही मिरर फोल्ड हो जाएगा, वन पुश देखिए हाँ। हो गया अभी हाँ जी। इसके अब एक करूँगा तो ये आपका खुल भी गया, पहले जैसे सेटअप ले जाएगा ये आपका ओआर बीम एडजस्ट इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट रहता है ये। और एक ये पारो विंडो है, ये आगे का दो है पीछे का दो है, ये क्या रहता है ऑटो, ये ड्राइवर सीट का ऑटो रहता है वन टच ओपन, बाकी सारे का मतलब जितने दूर करो जितना चाहिए उतना कर सकते हैं भाई, ये ऑटो है ओनली ड्राइवर साइड हाँ। इतने आते हैं तो सीट एडजस्टमेंट हो गया आराम से इसके अंदर, इसका भी हाइट एडजस्टमेंट है हाँ। जैसे कि हाइटलेस आदमी जब बैठते हैं हाँ। तो नीचे रहता है हाँ। उसको उसको सीट हाइट करना है तो यहाँ पे हाइट कर सकते हैं, ये साइड में है आपका हाइट हाँ। इस साइड में हाइट है जैसे कि मैं देखिए मैं बढ़ रहा हूँ, अच्छा ये रहा ये बढ़ भी रहा नीचे भी जा रहे हैं, अरे वाह। आपको जैसे कि कहाँ पे भी ड्राइव कंफर्ट करना है ऐसे भी इतना ये करते फोल्ड लेवल देखिए इतना तक रहता है ये फोल्ड हो जाता है हां बैठ सकते जी। हां देखिए आगे का लाइट वो ट्राई आउट रेल में रहता है, मैं वहां पे दिखा रहा हूं वहां पे जो डीआरएल जो ऑन है ना वहां पे वैसे दिख रहे हैं एग्जैक्टली हां वो रिफ्लेक्ट ये आपका वाइपर है क्लीन कराता है आपको। अगर आप आते हो लेते हो अभी बाहर देखो बारिश भी हो रही है तो ये आपके काम में आ जाएंगे आराम से चीज़ें सारे। अभी हम बात करते हैं कि आपको ये कार क्यों लेनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं अभी जी सर बोलिए। देखिए ये कार हमको क्यों लेना है, देखिए हाँ। सब कार जैसे कि सब कार तो सही रहता है हाँ। इस कार में ऐसे मतलब ये जो प्राइस है इस प्राइस में कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में ये क्या आता है जैसे कि इसका ग्राउंड क्लास 1205 mm का है हाँ। जो एक एसयूवी में जो रहना चाहिए वो ही है फर्स्ट। सेकंड चीज है आपको ऐसा ये जो अंदर ऑटो क्लाइमेट एसी ये जो सेफ्टी फीचर्स वो है ना इतना जो एंटरटेनमेंट जैसे म्यूजिक है आपका फोर स्पीकर ये सब चीजें फुल डिजिटल मीटर ये सब गाड़ी एक एसयूवी गाड़ी में रहना चाहिए हाँ। जो इसी में ही है सारी चीजें मतलब है इसके अंदर, मतलब बस मुझे थोड़ी कमी लगी ना वो इसकी इंजन पावर है
999 cc। ये देखिए, आपको इंजन पावर कमी लगा, ये सबसे सही बात है, इसमें मेरा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ। मगर इसका BSP 100 है, तो आपको 1200-1300 cc जो सीसी की गाड़ी है उसमें जो पीस रहता है 1000 cc में वो पीस दे दिया आपको। नहीं, मतलब मिल टर्बो इंजन, टर्बो इंजन के साथ आपको 100 fps का पावर है। और कितना मतलब BHP बताया अभी आपने? 100 BHP भी पावर मिलता है इसके साथ, मतलब मिल गया, टक्कर हो गया भाई। अब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्शन आपके पास है ही नहीं, आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर पावर नहीं है, खत्म। देखिए, हमारा जो डस्टर है हाँ, वो 1500 cc का था हाँ, उसका पीएस था आपका 110। अच्छा, वो वहाँ पे बाहर खड़े। जो अभी जो 1000 cc में मिल गया आपको, मिल गया 100, मिल गया भाई, हो गया। अब ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते आके शोरूम में कि भाई हमारे पास पावर नहीं है गाड़ी, पावर नहीं है, अब चले जाओ। होगा नहीं, कभी होगा नहीं, डन। और ये पीछे का जो स्पेसियस जो है हाँ, ये मैं आपको चैलेंज देके बोल रहा हूँ, अच्छा, कहाँ भी स्पेसियस मिलेगा नहीं आपको। आप बैठ के देखिए, कभी आइए, बैठिए पीछे, एक टेस्ट ड्राइव का मजा ले लीजिए, इसके बाद बोलेंगे वाह वाह बोलेंगे। और कुछ आप आ जाओ गर्गसन शोरूम में, आ जाओ, और बसंत सर हमेशा होंगे आपके पास, आप आकर देख सकते हो काइगर को। और जेलवोरिन का नाम बताओ तो वो आपको ट्रीटमेंट अच्छे से करवा सकता है आराम से। डेफिनेटली। तो हमारा लोकेशन जो है ना आपका भुवनेश्वर में जो CRP छक है, CRP छक से लेके 500 छक बीच में आपको आ जाएगा हमारा रेनल शोरूम, हमारे बगल में है, LIC ऑफिस मेन ब्रांच है। हाँ, पेट्रोल पंप भी है। नहीं, आजकल तो गूगल मैप्स भी हो गए, वहाँ पर डायरेक्टली लोग सर्च करेंगे रेनॉल्ट शोरूम नियर मी है तो आ जाएगा आपके पास। तो ये रहा आज का फीचर्स, और इसका ऑन रोड प्राइस भी हमने बता दिया था स्टार्टिंग में, और इसमें EMI भी वगैरह सारे अवेलेबल है, एक्सेंस भी है, सब कुछ है उसमें। बढ़िया बात है, आप आगे का जो ट्राइऑक्टर हेलियम जो है हाँ, वो कौन से गाड़ी में नहीं है, मतलब हाँ, इसी सेगमेंट में गाड़ी में बोल रहा हूँ, मतलब हाँ, ये हाँ, नहीं बोल रहा हूँ हाँ, हाँ, वो तो बहुत ही बड़ा कंपैरिजन हो गया। तो वो चीज नहीं, इसमें सामने में तीन जो है ना वो थोड़े अच्छे दिखते हैं, वहाँ पे व्हाइट कलर की है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो ये रहा देखो, अभी यहाँ पे ऑन हो गया, ये देखो यहाँ पर तीन ऑन है। अब आगे वाले को एक अच्छा सा लुक भी मिलेगा कि हाँ कोई अच्छी गाड़ी आ रही है। और एक बढ़िया चीज देखिए, आपको ये पर रहता है इको नॉर्मल स्पोर्ट्स मोड, हाँ हाँ, जो रहता है ना हाँ, इसका बढ़िया चीज है कि इको मोड मीन्स आप हर कोई सिटी में गली रहता है हाँ, गली में जाएंगे तो बार बार आपको क्लॉज एक्सीलरेशन ब्रेक हाँ, करना पड़ता है हाँ, तो उसमें क्या होता है फ्यूल का बहुत मतलब खर्चा होता है उसमें हाँ, तो क्या इको मोड देखिए, यहाँ पे मैं इको ना, मैं इसको ऐसे कर दिया हूँ, यहाँ पे इको आ गया, स्पोर्ट्स मोड आ गया, सॉरी स्पोर्ट्स मोड में रेड हो गया, मतलब भाई चलो नहीं, इको है हाँ, ये इको रहने से क्या होता है, इसका जो इको मोड है इसको गली वली में चलाएंगे तो फूल का कंबेशन बेस्ट रहेगा हाँ। तो और एक चीज है स्पोर्ट्स मोड, सपोज आपको कहीं पे हाई RPM हाई पिकअप चाहिए, हाईवे हो गया मतलब कहाँ पे सैंड बहुत ज्यादा सा सैंड हाँ, है हाँ, वहाँ पे को जाना है आपको हाँ, तो आपको हाई RPM हाई पिकअप हाँ, चाहिए हाँ, हाँ, तो उसमें क्या होता है स्पोर्ट्स मोड डाल देते हैं ठीक, वहाँ पे तो ये स्पोर्ट्स आ गया, चेंज आ गया वहाँ पे। यार ये मेरे को ये सबसे अच्छा लगता है, ये जो डिजिटल मीटर्स होते हैं ना तो उनके जो कलर्स चेंज होते हैं ना, मेरे को वो अच्छा लगता है। और ये बढ़िया, ये नॉर्मल मोड है, जैसे कि हमको जाना है यहाँ पे जैसे कि ये CRP जैसे कि लोकल के अंदर घूमना है तो नॉर्मल पुश कर देने से ये आपको चेंज आ जाएगा नॉर्मल मोड। भाई आपको क्या चाहिए, अब मुझे कमेंट में बताओ कि ये कॉम्पैक्ट SUV के अंदर और पावर भी सही मिल रहा है और प्राइस के हिसाब से भी सही मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा क्या चाहिए वो मेरे को बता दो, बाकी हम कार के कंपनीज वालों को बोलेंगे कि एक्स्ट्रा उसमें डालो। तो बाकी आपकी इच्छा है, आप अगर आ सकते हो गर्ग शोरूम तो आप बसंत सर से कॉन्टैक्ट करना, और यहाँ पे अगर आपको कोई कार पसंद आता है देन आप आओ। और इसमें कितने कलर्स अवेलेबल होंगे? इसमें एक सिल्वर है, वाइट है हाँ, मेटल मॉस्टर्ड है हाँ, और रेड मेटल मॉस्टर्ड ब्लैक हाँ, और रेड ब्लैक, तो पांच माहोगनी ब्राउन, 6-7 कलर अवेलेबल है आराम जो से। ये अट्रैक्टिव कलर, कोई भी कलर आप बोलेंगे नहीं ये कलर पसंद नहीं आता मुझे, ये डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपको। नहीं मेरे को ना ये इसका ये वाला जो प्रीमियम फिनिश है ना ये वाला दिखाता हूँ, ये देख सकते हो, ये चीज ना मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब रात में आप देखो और ये आप देख सकते हो क्लियरली, ये मतलब कौन से कलर में दिया गया? यार रेड में, मतलब ये हुआ है फेरारी रेड बोलते हैं, फेरारी रेड हाँ, मतलब भी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और एक शेयर कर देना, दैट विल बी एनफ। और सारी डिटेल्स जो है मतलब शोरूम का लोकेशन और बसंत सर का नंबर सब डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आपको पसंद आता देन
जस्ट मेक श्योर टू कॉल देम एंड आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो उनके साथ, ठीक है? तो हम फिर मिलते हैं अगर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।